हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद श्वेता संसारोन्नति। आज जो आपके लिए मैं लेसन लेके आई हूँ इंग्लिश का वो है वोकैब्स। वोकैब्स मतलब शब्दकोश। अगर हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे तो हम बातें क्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। उसके पहले आज की एसओडी पे ध्यान दे लेते हैं। एसओडी मतलब सेइंग ऑफ द डे। तो आज की सेइंग ऑफ द डे है He is bedridden. बोल लीजिए, He is bedridden. He is bedridden का मतलब है कि अब वह बिस्तर पर है, उठ बैठ नहीं सकता। एंटायर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो न जाने कितने लोग इस कोरोना बीमारी की वजह से बेडरिडन है। या कोरोना के अलावा भी ऐसी कई डिजीजेस होती हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें आप बेडरिडन होते हो। तो अगर आपको बोलना है तो आप यहाँ पर शी की जगह आई भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आई एम बेडरिडन, मतलब मैं अब उठ बैठ नहीं सकता। कई बार लोगों के फ्रैक्चर हो जाता है पैर में, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो कई रीजन हो सकते हैं आपके बेडरिडन होने के या किसी के भी बेडरिडन होने के। तो आप इस सेइंग में थोड़ा सा बदलाव करके भी बोल सकते हैं, शी ही आई कुछ भी लगा के। बट आपको समझना ये है, बेडरिडन का मतलब होता है कि बिस्तर पर होना, कि उठ चल बैठ नहीं सकते। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वोकैब्स की ओर। सो आज का पहला वर्ड हमारे वोकैब का है Ask somebody for something. बोल लीजिए इस वर्ड को, Ask somebody for something. एक कंडीशन है, अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी जो वोकैब्स हैं आपको इसी वीडियो में लर्न हो जाएं, तो आप मेरे साथ उन वर्ड्स को बोलते चलेंगे। जो भी वर्ड आप यहाँ पर सीखोगे उस वर्ड को आप 5 times प्रोनाउंस कर लोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि उस वर्ड के साथ में आपकी दोस्ती हो जाएगी और उसकी हिंदी अपने दिमाग में रखेंगे जो मैं आपको बताऊंगी। और मैं यही पे आपको कैसे सेंटेंस में उसे फॉर्म करना है ये भी सिखा दूंगी। तो आपके लिए यहाँ पर ही उन वर्ड्स को सीखना आसान हो जाएगा और आपको अलग से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। ध्यान दीजिए, आप जो भी सीखते हैं उसे इतनी बार बोलें, इतनी बार हर तरह से सेंटेंसेस में फॉर्म करें, प्रैक्टिस करें, ताकि उसको भूलने की जो गुंजाइश होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो समाप्त हो जाए। आस्क समबडी फॉर समथिंग मतलब किसी से कुछ मांगना। तो ये आपकी रेगुलर वर्ब है। देख लेते हैं कि हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे। अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने अपने पापा से कुछ पैसे मांगे तो मैं कैसे बोलूँगी, आई आस्क्ड समबडी की जगह पे माई फादर, फिल इन द ब्लैंक, वहाँ पे समबडी के प्लेस पे हम जिससे कह रहे हैं, जिससे मांग रहे हैं उसका नाम लगा देंगे, वो कोई भी हो सकता है। सो आई आस्क्ड माई फादर फॉर मनी या आई आस्क्ड माई फादर फॉर सम मनी, कुछ पैसे के लिए। या फिर मैंने अपने भाई से दवाइयाँ मांगी, सो आई आस्क्ड माई ब्रदर फॉर मेडिसिन। आप किसी भी तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको हर टाइम कुछ ना कुछ दूसरों से नहीं मांगना चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, यू शुड की ग्रामर लगाएंगे तो शुड के साथ में नॉट कह देंगे, यू शुड नॉट आस्क टू एनीवन अगेन एंड अगेन फॉर एनीथिंग। तो आप ऐसे भी करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, कमीलियन। कमीलियन इसका मतलब है गिरगिट। अब आप गिरगिट एक तरह से इंसेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो गिरगिट के लिए हम बहुत सारी सेइंग बोलते हैं। कहते हैं कि वो तो अपना रंग गिरगिट के जैसे बदलता है, या अपना रंग गिरगिट जैसे मत बदलो। तो आप कैसे बोल सकते हैं, डोंट चेंज योर कलर लाइक कमीलियन, मतलब अपने रंग को गिरगिट की जैसे नहीं बदलो। या ही ऑलवेज चेंजेस His color like chameleon. Defame somebody means किसी को बदनाम करना। तो हमें किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। So we should not defame anyone. Suppose अगर हम example लेते हैं कि तुम्हें तुम्हारे भाई को बदनाम नहीं करना चाहिए था। So you shouldn't have, should not have के साथ में third form लगेगी ना। So you shouldn't have defamed your brother. डिफेम को अब हम लोगों ने कर दिया डिफेम्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म।
और आपके भाई की बात हो रही थी तो लास्ट में आप लगा देंगे कि योर ब्रदर, सो यू शुडंट हैव डिफेम्ड योर ब्रदर. चेस्टाइज समबडी इसका मतलब है किसी की कटु आलोचना करना. ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो बुरे हों, लेकिन हम करते हैं. आप देखते हैं कि अधिकतर आप जहाँ कहीं बैठते हैं आपसे लोग करते हैं, और कई बार अगर आपको किसी की कुछ बातें बुरी लगी होती हैं या कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि वो लोगों को चेस्टाइज करते हैं, उनकी कटु आलोचनाएं करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट ऐसा होता है, लोग करते हैं. जहाँ कृष्ण भगवान को बहुत प्यार करने वाले लोग थे, वहीं पर उनकी कटु आलोचनाएं भी बहुत से लोग करते थे. सो, अगर हम बोलें कि कृष्ण भगवान की कटु आलोचनाएं बहुत से लोग करते थे, तो यहाँ पर यूज्ड टू की ग्रामर आ गई. सो मैनी पीपल यूज्ड टू चेस्टाइज लॉर्ड कृष्णा, है ना सही बात. अब मैंने सिर्फ चेस्टाइज से बात जो शुरू हो रही थी उतनी ही बात को ट्रांसलेट किया, क्योंकि मुझे आपको चेस्टाइज वर्ड के बारे में बताना है. बाकी आप सीख रहे हैं ग्रामर, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आप हर तरह की ग्रामर ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, तो अब आपके लिए इजी है खुद सारी बातों को ट्रांसलेट करना. नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, विप. विप, यहाँ पे विप मतलब है कि जो कोड़ा और हंटर आप देखते थे ना कि पुरानी मूवीज में, और कुछ लोगों ने तो वो जो कोड़े के साथ में एक गेम होता है उसे भी बचपन में ज़रूर खेला होगा. तो बेसिकली कोड़े या हंटर को हम इंग्लिश में बोलते हैं विप. तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, आपके दिमाग में बचपन की जो भी याद आ रही हो अब आपके लिए इजी है उसे बनाना. नेक्स्ट देख लेते हैं, बार्ब्ड वायर. बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर का मतलब है कटीले तार. जो आपने देखा ना, कई बार लोग अपनी जो यील्ड होती है ना, जो खेती होती है उनकी, जो फसल होती है उसे बचाने के लिए, या अपनी गार्डनिंग को सिक्योर करने के लिए, अपने फूल पौधों को बचाने के लिए, लोग आसपास चारों ओर बार्ब्ड वायर लगा देते हैं ताकि एनिमल उसके अंदर एंट्री ना ले सकें. तो वही जो कटीले तार होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बार्ब्ड वायर. नेक्स्ट वर्ड इज सेटल द डिस्प्यूट. सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है मुद्दा, और सेटल का मतलब किसी भी चीज़ को मतलब सुलझा देना. तो सेटल द डिस्प्यूट यानी कि झगड़े या मुद्दे को खत्म करना. सो वेन एवर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट्स बाई एनी वन, वी शुड ट्राई टू ऑलवेज सेटल द डिस्प्यूट. कॉम्प्रोमाइज विद समथिंग या फिर कॉम्प्रोमाइज विद समबडी. कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता करना. समटाइम्स वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद सिचुएशन एंड समटाइम्स वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद पीपल. मस्टो करेज. मस्टो करेज, मस्टो करेज का मतलब होता है हिम्मत जुटाना. जी हाँ, ये एक ऐसा शब्द है, जब आपके सामने ये वर्ड आता है तो हमारे अंदर क्या होता है कि सच में कहीं ना कहीं से ढेर सारी हिम्मत आ जाती है. आप देखते हैं कि लाइफ में हमें बहुत सी चीज़ें बिना हिम्मत के कर पाना असंभव हो जाता है. मतलब आपके पास चीज़ें होती हैं, आपके पास सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन अगर हिम्मत नहीं होती है ना तो आप उन चीज़ों को कभी कर ही नहीं सकते. तो हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है. और हम कई बार लोगों से बोलते हैं ना, हिम्मत जुटाओ, कहते हैं ना, सो मस्टर करेज, कम ऑन मस्टर करेज, तो मतलब हिम्मत जुटाओ. एंड हमें हमेशा हिम्मत जुटानी चाहिए. तो अगर आप बोल रहे हैं कि हमें हमेशा हिम्मत जुटानी चाहिए, सो वी शुड ऑलवेज मस्टर करेज. हमें लोगों को कहना चाहिए हमेशा कि चलो हिम्मत जुटाओ और इस काम के लिए जुट जाओ. So we should always say to people, come on, muster courage and do this work with courage. मतलब इस काम को हिम्मत के साथ में करो. Ask somebody to verb की first form. ये आपको देखने में vocab लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो अगर आप इसकी practice करते हैं ना, तो इसमें कितने सारे sentences आप बना सकते हैं. एक तरह की ये grammar है.
मतलब किसी से कुछ काम करने को कहना। Ask somebody to verb की first form। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इसे कैसे बोलेंगे। I asked my brother to shut the door। मैंने अपने भाई से दरवाजा बंद करने को कहा। Quagmire, quagmire, quagmire का मतलब होता है दलदल। अब ये दलदल आप जान ही रहे होंगे कि ये दलदल कैसा होता है। आप सबने देखा होगा या मूवीज में देखा होगा कि दलदल कैसा होता है, जिसमें एक बार कोई बंदा फंसता है तो वो निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एक तो ये आपका जो रियल में दलदल जैसा दिखता है आपके दिमाग में वो इमेज बन रही होगी। दूसरी बात है, इसे कई बार हम अपने शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी बातों में इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिक्स जो है उसे कई बार कहा जाता है कि वो एक तरह का दलदल है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई कैसे कैसे दलदल होते हैं। पॉलिटिकल क्वैगमायर्स होते हैं, सोशल क्वैगमायर्स होते हैं, यानी कि सामाजिक दलदल और आपके राजनीतिक दलदल, जिनमें कई बार अगर कुछ बुरी चीज़ों में लोग फंस जाते हैं तो उनके लिए निकल पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे हम बातों में बोलते हैं कि जो बैड थिंग्स होती हैं ना, बैड हैबिट्स आर लाइक क्वैगमायर। जो बुरी आदतें होती हैं वो एक तरह से दलदल की तरह होती हैं, मतलब वहाँ से निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। वैसे मैं आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे हम बाहर ना निकल सकें, लेकिन यहाँ पर हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से इस सेंटेंस को बोल कर देख रहे हैं। ग्राउची, ग्राउची, ग्राउची का मतलब होता है सड़ू। सड़ू आप लोगों ने देखे होंगे, लोग ऐसे लोग जो काफ़ी बोरिंग टाइप होते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर अच्छी है भी और कोई उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन उनसे ना सुना जाता है ना ही उनसे खुद तारीफ की जाती है, तो ऐसे लोग होते हैं ग्राउची। देखें आपने अपनी लाइफ में ग्राउची लोग, सड़ू टाइप। तो अगर आपको कहीं कोई दिखते हैं तो आप अंदर ही अंदर मन में अपने वर्ड की प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकते हैं कि ग्राउची। आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे कि हाँ, उन्हें कई बार कोई चीज़ अच्छी भी लग रही होती है लेकिन उनसे कहा नहीं जा पाता है कि हाँ आप बहुत अच्छे हो या आपके अंदर ये चीज़ अच्छी है। तो कहीं आप तो ग्राउची नहीं, कहीं आप तो ऐसा नहीं करते। ध्यान दें, नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। शाउट, शाउट, आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी आसान सा शब्द है ये शाउट। शाउट का मतलब चिल्लाना। सो जब भी क्लास में शोर होता है या कहीं पे भी शोर होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, डोंट शाउट, कीप मम, कीप मम। देखिए यहाँ पे आपको दूसरा वर्ड भी मिल गया, डोंट शाउट मतलब शोर नहीं करो, चिल्लाओ नहीं, कीप मम मतलब चुप रहो। तो एक तो होता है कीप क्वाइट, शांत रहिए, कीप मम, आपको तीन तीन शब्द मिल गए यहाँ पर। टेक अ नैप, टेक अ नैप, टेक अ नैप का मतलब होता है कि जो झपकी लेते हैं ना, जो हम सो जाते हैं। देखिए इसके ऊपर भी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, फिर बताना चाहूँगी कि सोने को हमने टाइम को जो है डिवाइड किया हुआ है। अगर आप रात को सोते हो तो आप क्या कहते हो कि आई गो टू स्लीप, मतलब मैं सो जाती हूँ, स्लीप हो गया। अगर आप दोपहर के टाइम सोते हैं तो उसे आप कहते हैं टेक अ सिएस्टा, दोपहर के समय सोना मतलब टेक अ सिएस्टा। अब अगर मैं बात करी हूँ टेक अ नैप, इसका मतलब है किसी भी टाइम सोना। जो लोग किसी भी टाइम थोड़ी थोड़ी से टाइम की पावर नैप्स ले लेते हैं, झपकियाँ ले लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं नैप, जो किसी भी समय सोया जाए। टैटल, टैटल, टैटल का मतलब होता है चुगली करना। करते हैं ना लोग, कई लोग, या फिर बातें इधर की उधर करते हैं, या बातों में मसाला लगा के बातों को प्रेजेंट करते हैं। तो इसे आप एक और शब्द के नाम से जानते हैं, आपने सुना ही होगा, जिसे हम कहते हैं गॉसिप। गॉसिप करते हैं लोग, तो आप गॉसिप भी बोल सकते हैं, आप टैटल भी बोल सकते हैं, आप जो चाहें बोल सकते हैं। ये दोनों वर्ड जो हैं आपके रेगुलर वर्ब हैं, यानी कि आप डी या ई डी लगा के सेकेंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए फ्लॉज, फ्लॉज, फ्लॉज का मतलब होता है कमियां, खामियां। तो ये अगर आप देखें तो ऐसा कोई नहीं होता जिसमें कोई भी कमी या खामी ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा होना चाहिए कि जब कभी हम ऐसे किसी व्यक्ति से मिलें
जो हमें सच में सही रास्ता दिखा सकता है, जो हमारे लिए वेल विशर है, या फिर जो हमें अच्छी राय देता है। तो हमें हमेशा ये मौका कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई आप हमें हमारी कमियां बताएं। तो आप ज़रूर पूछ लें कि टेल मी माई फ्लॉज प्लीज़। कैसे पूछेंगे? प्लीज़ टेल मी माई फ्लॉज, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उन कमियों को सुधार के आगे बढ़ सकें। अब इधर हम अगर देखें तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फ्लॉलेस होते हैं, मतलब दोष रहित, कमी के रहित, उनमें कोई भी कमी नहीं होती। होते हैं ऐसे लोग जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं? फ्लॉलेस। कोई एक्ट होता है, कोई चीज़ें होती हैं, कोई लोग होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, ऐसा बहुत कुछ इस दुनिया में है जो है फ्लॉलेस, मतलब एक भी दोष नहीं, एक भी कमी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट, आप देख रहे होंगे आजकल ये ह्यूमिलिएट वर्ड बहुत चल रहा है। इसका मतलब होता है किसी की बेकदरी करना, मतलब उस चीज़ को अपमानित करना, किसी चीज़ की कदर ना करना बेसिकली। तो वो होता है ह्यूमिलिएट करना, अपमानित करना। और आज की सिचुएशन अगर देखी जाए, आज की ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने बोला था ना चेस्टाइज वर्ड, किसी की कटु आलोचना करना, तो ऐसे जब हम किसी की कटु आलोचना करते हैं तो उसे अपमानित ही करते हैं। तो हो गया ना, वहीं से आया हुआ एक वर्ड ह्यूमिलिएट करना। तो हमें लोगों को अपमानित नहीं करना चाहिए, चीज़ हो या फिर इंसान, कोई चीज़ निर्जीव हो या सजीव। अब आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे वोकैब्स आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो अब आपको करना ये है कि करना क्या, आप तो कर ही रहे होंगे, मतलब आपके सामने जितने वर्ड्स आए होंगे, जब जब मैंने सेंटेंस कोई बोला होगा, आपके दिमाग में भी न जाने कितनी सारी बातें आई होंगी, कितने सारे सेंटेंस फॉर्म हुए होंगे, कितनी सारी यादें आई होंगी। अगर कभी किसी ने आपकी कटु आलोचना की होगी तो आपको ये याद आया होगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपको ये भी याद आया होगा कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके दिमाग में कई सारी बातें बनी होंगी, हर शब्द को सुनते ही, उसकी हिंदी जानते ही आपके दिमाग में न जाने कितनी बातें, और प्लस वो इमेजिनेशन, वो जैसे जो सिचुएशन आपके साथ घटी थी, जो जो आपके साथ हुआ था, आप दुखी हुए थे, खुश हुए थे, रोए थे, जो भी हुआ था सब आपको दिख रहा होगा। तो अब आपकी बारी है, अब आपको सेंटेंसेस बोलने हैं और इतने बोलने हैं कि ये सारे शब्द आपके दोस्त हो जाएं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनके भी वोकैब्स स्ट्रॉन्ग हो सके। वोकैब्स आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जब तक मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर नहीं आती हूँ, तब तक कीप टॉकिंग, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड कीप हेल्पिंग अदर्स। हैव अ ग्रेट टाइम।